दलाल आम तो बोल अदल उतने तुन लिया तू अपन तो वाले था आप तेरी तो कहाँ है तेरा बॉस कहाँ है तल बोला आपने मुझे याद किया क्यों तूने इसको बोला था प्रिंसिपल की गाड़ी का टायर पंचर करने के लिए नालायक कम से कम चेले तो ढंग के पाल लिया कर एक फटके में तो इसने सब कबूल दिया तौली भाई अबे क्या तौली तौली चल निकल और बॉस अब आप आइए बेटा आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या प्रिंसिपल सर से मुझसे जो आप हमें इतना परेशान करते हो आपसे हमारा सुख देखा नहीं जाता क्या नहीं ए, चुप हो जाओ तुमको भी हम लाऊं क्या सॉरी सर बेटा बहुत बेइज्जती कर ली अब तूने वहां जा और हाथ ऊपर करके खड़े हो जा सर ने बहुत बेइज्जती कर ली मेरी क्लास वालों के सामने अब इसको तो स्कूल से निकलवाना ही पड़ेगा क्या हुआ भाई तल ने जब तालती हवा निकालते हुए पतला था ना ततम थे इतना माला पूरा पितवाला टूट दिया सूझ गया कि टूट गया अरे दोनों दिया तुझे यकीन नहीं मुझ पे बताओ अरे नहीं नहीं भाई तू टेंशन मत ले तेरा बदला तेरा बाप तेरा भाई लेगा आने दे सर को फिर बताता हूँ मैं ओए मोटे सुन ठीक 5 मिनट बाद कैसे भी करके प्रिंसिपल को अपनी क्लास में ले आ बाकी सब मैं देख लूंगा ठीक है भाई काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तर 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 तू 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 अरे क्या कह रहा है लगता है छुट्टे मांग रहा है हाँ चल 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 सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैंने आपसे अच्छा टीचर पूरी दुनिया में नहीं देखा अगले साल तो मैं बोर्डिंग स्कूल में चला जाऊंगा उस प्रिंसिपल ने मेरे घर पे कंप्लेन जो कर दी है मगर सर मैंने सुना है कि वो अगले महीने आपको भी निकाल रहे हैं स्कूल से वो मोटा गेंडा मुझे स्कूल से निकालेगा खुद तो साला फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है अगले साल देखना मैं प्रिंसिपल बनूंगा और उसको ऐसे पीछे से लात मार के भगा दूंगा स्कूल से सर आपको हमारे बारे में कुछ भी बोलना है तो बोल लेना हमारे देवता समान प्रिंसिपल सर के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हम तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे प्रिंसिपल सर पीछे खड़े मेरे गुड मॉर्निंग सर सर आपने कुछ सुना तो नहीं तुना तुना तरने तब तुना बॉय बात सर माफ कर दो नौकरी से मत निकालना मेरे दो बच्चे एक बीवी के साथ चुन्नू मुन्नू कालू सर आप मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलिए पर सर अरे सर अरे सर अरे सर अरे सर तेरा तो ढोल बजा साले साले तेरा मुंह बंद रहे बच्चों आप लोगों को एक बात बतानी है अब कालू सर नहीं रहे क्या अरे अपने स्कूल में मैंने उनको स्कूल से निकाल दिया है आज से तुम्हारी नई टीचर है ये ठीक है स्टूडेंट्स जनरली सारे टीचर्स ये पूछते हैं कि सबसे ज्यादा होशियार बच्चा कौन है लेकिन मैं ये पूछूंगी कि सबसे ज्यादा शरारती बच्चा तुम्हारी क्लास में कौन है अच्छा तो तुम हो मुझे पता है कि तुमने पुराने टीचर को किस तरीके से स्कूल से निकलवाया था याद रखना मेरे साथ वो हरकत करने की कोशिश मत करना मेरा तो मन कर रहा है कि उनके ऑफिस में बम लगा दूं और उनको ऑफिस के साथ ही उड़ा दूं क्या बोल रहे अपने प्रिंसिपल के लिए ऐसा बोलोगे तू देख प्रिंसिपल को अभी तेरी शिकायत करती हूँ जाके हेलो प्रिंसिपल सर बेटा गुलशन मेरे ऑफिस में बम फोड़ेगा कर ले बेटा कर ले जो मनमानी करना है कर ले वैसे भी अगले साल तो तू बोर्डिंग में जाएगा भाई भाई मैंने नहीं ये मैडम ने मुझे फंसाया है ना देखना अब जब तक इस मैडम को स्कूल से नहीं निकलवा दिया ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा हां मैडम ने बताया भाई यार ये अपने प्रिंसिपल की शक्ल देख के स्कूल आने का मन ही नहीं करता
अगर मैं उसके जितना बड़ा होता ना तो उसको तो उठवा ही लेता। भाई दला अलामते बोल, अगर उतने तुल लिया तो अपन को उठवा लेता। आप? हाँ, मैं तुम्हारी स्वीट सी टीचर। आप प्रिंसिपल के लिए काम करते हो ना? प्रिंसिपल ने आपको हम चारों को किडनैप करने के लिए बोला है ना? ए, उसका नाम मत ले। और मैं किसी के लिए काम वाम नहीं करती। अब तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। मैं किसी के लिए कोई काम वाम नहीं करूंगा, जा रहा हूँ मैं, चलो रे। ए, रुक, नहीं करेगा? नहीं करूंगा। ए, उड़ा दे। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्या करना होगा? हाँ तो रेडियो? हम्म, तो शुरू करो काम। भाई कुछ सोचा है क्या करेंगे उस गुंडी से बचने के लिए? अब कुछ नहीं हो सकता, जैसा उसने बोला है वैसा करना पड़ेगा। चलो। सॉरी सर। हेलो मैडम, काम हो गया है। गुड, अब उन्हें जल्दी से यहां ले आओ। क्या बोल रहे? अपने प्रिंसिपल के लिए ऐसा बोलोगे? तू देख, प्रिंसिपल को अभी तेरी शिकायत करती हूँ जाके। तल तल, वो दुल्तन बोल रहा है आप तो ऑफिस में बम लगते, आप तो उला देता। तल, मैंने आपको तब बता दिया है, अब बता मुझे तुलते मत निकालना। चल। हेलो, प्रिंसिपल सर को किडनैप करने के मोहरे मिल गए, काम शुरू करो। आज होगा मेरा बदला पूरा। ये रहा प्रिंसिपल, तुमने जो बोला था वो हमने कर दिया, अब हमें जाने दो। इतने सालों से इंतजार किया है, इससे तो मैं ही निपटूंगी। पुलिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सॉरी सर, हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था, आप जिस मैडम को लेकर आए हो वो आपको किडनैप करना चाहती है, और उसने हमें ही बोला है आपको किडनैप करने के लिए। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे पास एक प्लान है। तुझे मैंने प्रिंसिपल को लाने को कहा था और तू ये पुलिस लेकर आया है? पुलिस सामने फिर भी इतनी अकड़? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुमसे मेरे स्कूल में पढ़ाती हो, फिर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम मेरे पापा को बहुत अच्छे से जानते थे। सर वो जगह खाली नहीं कर रहा। स्कूल तो यही बनेगा और जगह तो इनको खाली करनी पड़ेगी, वैसे भी ये इलीगल काम करते हैं, बताता हूँ मैं इनको अभी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी आइए। तुमने मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने अरेस्ट करवा दिया, और मैं उस टाइम इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई, और तुम्हारे कारण मेरे पापा की जेल में ही जान चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुझे भी। Ready. क्या बात है, आज तो गुंडों को मजे ही चखा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती हो गई, हमारी दुश्मनी वही पुरानी वाली रहेगी। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे थे ना, चलो।
अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और आपका सबसे फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, थप लाइक भी डालना। अरे बोलो ना सब्सक्राइब।